नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। और हमारे साथ में है ठाकुर साहब कृष्णवीर सिंह जी हैं और रामचंद्र जी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करनी है, क्या प्रोग्राम है ये राम मंदिर को लेकर, बताइए। राम मंदिर को लेकर ऐसा है कि 500 साल से जो रामलला एक तंबू गिराए हुए थे टेंट में, उनको 500 वर्ष बाद और जो 5 गांव इसके रखरखाव करते हैं उन लोगों ने सभी ने आज रथ यात्रा शोभा यात्रा निकाली। सभी गांव में 5-7 गांव में रथ यात्रा गई, उसमें हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर पद यात्रा की। सभी ने पैदल और जो बुजुर्ग थे वो गाड़ी में भी चले और शाम को यहाँ पर अभी भोजन प्रसादी है दोपहर में और शाम को यहाँ पर भजन संध्या है। और कल सवेरे यहाँ जो अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, उसका लाइव प्रदर्शन यहाँ पर होगा और कम से कम भी 15 से 20 से 25 हज़ार लोगों का यहाँ पर भोजन प्रसादी है। और शाम को रामकथा होगी और पूरा मंदिर और पूरा मंदिर प्रांगण 51 सदियों से भजन रखे। आह्वान करना चाहेंगे आसपास के इलाकों के, मैं तो चाहूँगा इतना बड़ा उपलक्ष्य है और ये जो 22 जनवरी का दिन है ये इतिहास में एक पर्व की तरह मनाया जाए, जैसे दिवाली और होली मनाते हैं वैसे 22 जनवरी भी आने वाले टाइम में वर्षों वर्ष एक त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। और जितने भी लोग हैं आसपास के सब आए, इतना प्राचीन मंदिर है, राम दरबार है, 12 ज्योतिर्लिंग है, भद्रकाली का मंदिर है, यहाँ पर आए भोजन प्रसादी ग्रहण करें, इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं है। धन्यवाद। जैसे हमारे साथ में रोहा ठाकुर साहब कृष्णवीर सिंह जी और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।